रुक पुणे का। पुणे से एक बड़ी वारदात की खबर है। आईटी कंपनी इंफोसिस के दफ्तर में 25 साल की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंप्यूटर की तार से गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रसिला राजू नाम की महिला का शव ऑफिस में मिला। कल छुट्टी थी लेकिन महिला कर्मचारी अपने प्रोजेक्ट के लिए दफ्तर आई थी। बताया जा रहा है कि फ्लोर पर अन्य कर्मचारी भी थे। पुलिस ने रसिला राजू की हत्या के आरोप में कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भाबेन सेलेसिया को मुंबई से पकड़ा है। पुलिस गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक महिला केरल की रहने वाली थी जबकि आरोपी गार्ड असम का रहने वाला है। पुणे में हिंदन जुवाड़ी इलाके में स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क में इंफोसिस का ऑफिस है। कैलाश पुरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैलाश, इसमें और क्या डिटेल सामने आई है? जी, रसिला जो है ये कल अपने बेंगलोर का, उनका एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए बेंगलोर से उनको कोऑर्डिनेट करना था। वो प्रोजेक्ट के काम से आई थी इंफोसिस में। जब ये काम वो काम कर रही थी उस वक्त फ्लोर पे अकेली वो काम कर रही थी। उस वक्त जो ये भावेन सेलसिया है, जो सुरक्षा रक्षक जिसको हिरासत में लिया है, वो भी वहां मौजूद था और उसका और रसिला का किसी कारण से झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के वजह से भावेन ने रसिला की हत्या की है, ऐसे प्राथमिक जांच में सामने आया है। लेकिन क्या कारण था, किस प्रकार से झगड़ा हुआ, इतने बड़ी घटना को अंजाम भावेन ने क्यों दिया, इस सब की तफ्तीश पुलिस अभी कर रही है। लेकिन कुल मिला के झगड़े की वजह से ये हत्या की गई है, ये सामने आया है। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत।